वेलकम इन आवर विशाल चैनल। आज मैं आया हूँ अपने दोस्त पिंच कुमार के यहाँ, इनके घर पे आया हूँ। ये घर में खड्डे खुदवा रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या प्लान है। आप प्लीज बताओ जरा, क्या प्लान है तुम्हारा? यार इमरान भाई, बात ये है कि अभी जो आपको पता है कि बारिश का पानी आया है, सैलाब आया है, उस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हुकूमत डैम बना नहीं रही, इस वजह से हमने सोचा कि मसनू डैम क्यों नहीं बनाया जाए। मसनू डैम घरों में बना रहे ताकि पानी नीचे चला जाएगा और मैं अपने आपके पास यहाँ पर मच्छर झील बन जाएगी। बिल्कुल, ये मसनू डैम बनाएंगे, पानी नीचे स्टोर हो जाएगा। ये हर अपने जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अगर अपने अपने घरों में इस तरह के खड्डे बनाएंगे तो मसनू डैम बनाएंगे तो पानी बाहर जाएगा ही नहीं, सैलाब आएगा ही नहीं। सबका पानी, सबका पानी जमीन में पानी जाया भी होने से बच जाएगा। फिर मीठा पानी है, मीठा पानी, फिर हम इसको फिल्टर करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसमें तो मछली भी पाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से चार जो है ना बड़ी बड़ी मछली, मतलब हमने अभी देखो चार खड्डे खुदवाए ताकि सैलाब का पानी सारा इसमें आ जाए। अच्छा, इस तरीके से काम चल रहा है। मछली कितने साइज की रख सकते हैं? साइज की तो यार खड्डे के हिसाब से साइज की रख सकते हैं। परेशानी की बात नहीं है, तो और अपने हिसाब से जो है ना बनाया रखूँगा ताकि इसमें पानी स्टोर हो जाए और बाद में इसको इस्तेमाल भी कर सकते। मशवरा दें कि वो क्या करें। मैं पाकिस्तानी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने घरों में, अपने जितने भी आपके मकान बने हुए हैं उसमें मसनू डैम बनाएं ताकि आपका पानी स्टोर रहेगा और आप इसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल बशारत चैनल।